बाकी जब होगा पूरा पूरा कल्याण तब होगा तब हो जाएगा। अभी टुकड़ों टुकड़ों में कल्याण कर लो भैया। मैं दोनों राजनेताओं राजनीतिक दलों से कहूंगा अभी मिल बैठ के टुकड़ों टुकड़ों में कल्याण कर लो। खाना की व्यवस्था नहीं है आए, चलो ठीक है नाश्ते कराओ बच्चों को, कुछ तो हो, कुछ टिप्स मैं देता हूँ। जिन परीक्षाओं पर जिन सारी प्रक्रिया हो चुकी, जिन भर्तियों में अदालती रोक भी नहीं, उनमें ये जो विचित्र और अजीब किस्म के बाबू व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इन बाबुओं को पहले सोमवार को नया सप्ताह शुरू होते जेल भेज के उनमें नियुक्ति पत्र बांट दो। उनमें तो हर्रा लगे ना, फिटकरी रंग चोखा है, हम खबर चलाएंगे आपकी जय होगी। इसमें कोई बुरी बुरी बात कह रहा हूँ क्या? गलत कह रहा हूँ? ऐसे 85 भर्तियां हैं जिनमें अधिकारी विभाग सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच चला गया और डबल बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्यों चला गया भाई, क्यों चला गया? मेरी सरकार मेरे लड़के से लड़ेगी मुकदमा? मुकदमा लड़ने के लिए सरकार चुनी गई है क्या? नहीं ना। बाबुओं को जेल भेजिए, विथड्रॉ करिए सरकार की अपील, क्लियर कराइए। कितनी देर लग रही, कोर्ट को कोई ऐतराज है? नहीं ऐतराज है। आप गए हैं कोर्ट, इसलिए कोर्ट ने लटका दिया, रोक लगा दी। तीसरी बात राघवेंद्र जी लिख लीजिएगा, तीसरी बात मैं कहता हूं, हमारे यहां जो गलत खबर बना देगा बच्चा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना। गलत पेपर बना दिया, बड़े अधिकारी का कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी काजू खा रहा है बैठ के ठंडे में है और जूस पी रहा है हमारे पैसे से। पैसा तो हमारा ही है और कहीं से तो आ नहीं ना, जनता का पैसा। पेपर लीक हो गया, छोटे मोटे दो चार गिरफ्तार हो गए, बड़े साफ मौज में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। भर्ती में कापियां जला दी नीचे वालों ने सेटिंग वेटिंग करके ताकि सबूत ना बचे, फिर भी बड़े अधिकारी बैठे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कृपा करके राघवेंद्र, विनम्र निवेदन है मुझे ये बताया जाए कि वो कौन सा अपराध होगा, उसकी जघन्यता की सीमा क्या होगी। जब बड़े हाकिम लोग एनएस पर एनएसए लगा के उनको जेल भेजा जाएगा, वो बहुत सार्वजनिक कर दो, छोड़ो बात, एक ट्वीट करो कि भाई इस लेवल का अपराध का इंतजार कर रहे हैं, वो करेंगे तो जेल। मेरा जोर जेल पर है। जब पत्रकार, कथाकार, चित्रकार सब जेल जा सकते हैं तो ये बाबू क्यों नहीं जा सकते? इनको को सुरक्षा कवच संविधान ने दिया है, नहीं ना, क्यों नहीं जेल जाएंगे? और इनका लीपा हुआ आप अपने सर लेते क्यों हो राघवेंद्र जी? आपसे मेरा मतलब कोई भी सरकार, इनका लीपा हुआ आप लोग अपने सर लेते हो। और आज एक रहस्य उद्घाटन करके जाता हूं क्या अभी जी, अखिलेश जी की सरकार के समय मेरे ख्याल से एक मसला आया था एक अधिकारी को लेकर, क्या उसके सरकार के कारण कुछ भी रहे हो, सरकार उसके बचाव में बहुत दूर तक चली गई क्या? तब मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि ये इनके लिए दांव पर मत लगी, क्या इनकी जो भूमिका है वही रहने दीजिए क्या? मैं फिर कहता हूं हर सरकार से, आज आप सरकार में नहीं हो राघवेंद्र बाबू, ये टेलीफोन नहीं उठाएंगे, आपकी पर्ची नहीं बनेगी वह लोक भवन में जाने के लिए क्या, जैसे अभिषेक की नहीं बनेगी। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि वो वीसी को बोला प्राधिकरण के और उसने कहा अरे राघवेंद्र जी आप भाई हो आओ किसी दिन बैठते हैं, प्रमुख सचिव ने ये कहा, अवर सचिव ने कहा, अंडर सचिव ने वो कहा, अपर सचिव ने वो कहा, ये सब मर्तश्मा है मित्र। अभी सरकार से नहीं दूर रहो, सपा वाले पूछ लो ना कि कितने सचिव इनकी लाइन पे आ रहे, कितने आईजी डीआईजी आ रहे क्या, पूछ लो ना। जब इनकी सरकार थी तो इनको भी बोलो ऐसे नमस्ते करते थे, और इनके दिल पे क्या बीतती होगी, जो इनकी सरकार चला रहे थे वो लोग अब आपकी भी चला रहे तो इनके दिल पे क्या बीतती होगी देख के? नहीं, सच्चाई है।
मेरे प्रदेश के नौजवानों के साथ जो अधिकारी अभद्रता कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको फुटबॉल की तरह, शटल कॉक की तरह इधर से उधर फेंक रहे हैं। मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से, उन सबका एक ही बार में इलाज करिए। एक बुलडोजर उधर भी जाना चाहिए, जैसे भी नहीं, लेकिन कार्रवाई का बुलडोजर वहां भी जाना चाहिए। इनके पास सुरक्षा चक्र नहीं होना चाहिए। परिणाम दीजिए, नहीं तो कुर्सी छोड़िए। अधिकारियों के लिए सीधा संदेश होना चाहिए। केवल डीएम और एसपी उस पर योगी जी का 100 केवल डीएम और एसपी उस पर योगी जी का 100 चल रहा है, लेकिन केवल डीएम एसपी ही नहीं ना, अधिकारी है, सचिवालय में बैठे हैं बड़े बड़े, क्या कहूं, उनकी एमआरआई करवाइए, तब बच्चों के साथ न्याय होगा। ये जो कह रहे हैं हो सकता है सहयोग, लेकिन बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो अधिकारी ऐसे ऐसे अभद्र अधिकारी क्यों है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमारे बच्चों से ये कहें कि जरूरी है तुमको नौकरी दी जाए, तनख्वाह भी हमारे टैक्स से लेंगे और ऐसी बात भी बोलेंगे, इनको निकाल बाहर करिए। मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचाइए और ऐसे अधिकारियों को बिना करिए। आप संपर्क करिए, जो भी अगर साक्ष कुमार को इस प्रकार किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इस प्रकार का अगर कोई अधिकारी है, उसके प्रमाण मिल जाते हैं, उसने अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी की है, तो हमारी योगी सरकार किसी को मुरम्मत नहीं करने वाली है। हम लोग बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी को बर्खास्तगी करने में, सस्पेंड करने में कोई भी देर नहीं करते हैं। अगर इस प्रकार के प्रमाण